Hello everybody and welcome back to SK1X and we're back again with center of mass, linear momentum and collision. And the linear momentum ka topic already cover ho chuka hai and now we'll proceed with center of mass. Is video mein center of mass ke discussion hogi. Collision ke cases baad mein kuch dekha jayega. But for now we'll consider center of mass. Uske baad linear momentum already discussed hai, toh collisions bhi hum log dekhenge. And kaise different kind ke collisions mein kabhi kabhi aap kinetic energy, remember not in all cases, कभी कभी आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है. उसकी डिस्कशन अगेन बाद में हो जाएगी. पहले सेंटर ऑफ मास का टॉपिक लेते हैं. तो अब सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जब आपके पास बहुत सारे, यू हैव टू सी बहुत सारे पार्टिकल्स एक गिवन सिस्टम में हो, तो वहां पे आपके पास एक सिंगल पॉइंट चाहिए होता है जिसके आप स्टडी कर सको. सिंस यू आर अ सिंगल ह्यूमन एंड यू आर जस्ट अ ह्यूमन, आप कोई मशीन नहीं हो, आप कंप्यूटर नहीं हो कि आप सो मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी कर लो, उनकी कैलकुलेशन कर लो. दैट इज अ थिंग जब भी आप किसी सिस्टम को स्टडी करते हो. मान लो मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ, सो लेट्स सी ओवर हियर, जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ, हमें पता है कि ये ऊपर जाता है नीचे आता है एंड इसे जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है तब मैं इसकी स्टडी कर सकता हूँ. कैसे? अगर वी ट्राई टू लिस्ट आउट हम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीख लिया है अबाउट दिस मार्कर्स मोशन. पहले ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, फिर उसके बाद ये ऊपर जाते हैं इनिशियल स्पीड यू से, ऊपर जाते हैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं तो इसके पास माइनस यू, उतनी वेलोसिटी वेक्टर होती है. ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ तक आने में टाइम यू बाई जी होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे का भी यू बाई जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी, इतना हमें पता है. ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वेयर बाई जी होती है, यू स्क्वेयर बाई टू जी. वी गॉट दिस मच. हम लोग को ऑलरेडी बहुत कुछ पता है एंड वी कैन डू कैलकुलेशंस फॉर इट्स मोशन. तो वी नो दिस मच, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, फिर वही बैक इनटू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. लेकिन अगर आपने ये चीज नोटिस किया, मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट माना एंड एवरीथिंग इज सो सिंप्लीफाइड, लेकिन एक्चुअल मार्कर का मोशन कुछ ऐसा होता है कि जब ये ऊपर जाता है इट विल स्पिन, ये रोटेट कर जाता है. रोटेशनल मोशन सेपरेटली डिस्कस होगा बट ये रोटेट कर जाता है. रोटेट करने का मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वाला पार्टिकल ऊपर भी जा रहे एंड यहाँ पे इसके अबाउट नीचे भी आ रहे एंड ये वाला पार्टिकल, इसके पास ऊपर जाने की वेलोसिटी इनिशियल यू है, ग्रेविटी से थोड़ी कम हो गई एट दिस पॉइंट, लेकिन उसके साथ रोटेशन की वजह से इसके पास एडिशनल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है. तो आपको समझना है सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंट वेलोसिटी है क्योंकि ये ऊपर जा रहे, फिर एक नीचे वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कम है इन कंपैरिजन टू दिस वाला जो कि ऊपर जा रहा है. सो यू हैव टू लिसन कि यहाँ पे बेसिकली जब आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स एक सिस्टम में हैं दैट आर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम, यहाँ पे कोई भी आपके पास ब्लॉक है, कोई प्लेट है या फिर समथिंग लाइक दैट, द स्पिन ओवर हियर, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यू हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रादर देन इन इंडिविजुअल पार्टिकल. जब आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स की मोशन डिफरेंट हो जाती है एंड जब डिफरेंट पार्टिकल्स की मोशन डिफरेंट होती है सो यू विल नीड टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स सेपरेटली एंड ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. तो इसे ईजी कैसे बनाते हैं, इसे ईजी बनाते हैं कि मैंने ले लिया कि अगर only and only if ये मार्कर एक सिंगल पॉइंट होता जो कि ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे आ रहे हैं, लेकिन अब इसे पॉइंट बनाए कैसे, इफ इट इज इन एग्जैक्टली अ पॉइंट, अगर इसे पॉइंट पार्टिकल माना नहीं जा सकता, जैसे ये जितना ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ उतनी हाइट एंड उतनी डिस्टेंस का जो पाथ लेंथ है वो बहुत बड़ा नहीं है कंपेयर टू द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, मतलब पॉइंट पार्टिकल नहीं माना जा सकता. तो यहाँ पे हम लोग स्टिल स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं. कैसे? मैंने मान लिया एक पॉइंट इन द मार्कर जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं. अब सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है, ऑब्वियसली ये पॉइंट एग्जिस्ट तो करेगा, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं कि वहां पे ऐसा कुछ रखा हुआ होगा और समथिंग लाइक दैट, इट इज मियरली अ पॉइंट जहां पे मैं दो अजम्पशंस लेता हूँ. यहाँ पे मैं दो अजम्पशंस लूंगा अबाउट द मार्कर. पहला अजम्पशन कि अगर मैंने ले लिया टोटल मास ऑफ द सिस्टम, पूरा मास ऑफ द सिस्टम यहाँ पे कंसेंट्रेटेड होता है,
मतलब अगर आपने एक सिंगल पॉइंट ले लिया जहां पे इस पूरे सिस्टम का टोटल मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, इस कंसेंट्रेटेड हियर। जो दूसरा एजम्पशन लिया जाता है ये होता है कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इसी पॉइंट पे एक्ट करती हैं। अब ये जो मैंने दो एजम्पशन लिया, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? पहला कि टोटल मास इज कंसेंट्रेटेड हियर, यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे एंड आई हैव दीज ग्रेट मैनी पार्टिकल्स M1, M2, एंड करते करते कोई पार्टिकल Mith पार्टिकल है, सो यू हैव एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं कह दूं कि ये एक्चुअल में कोई सिस्टम को फॉर्म करते हैं तो मैं एक सिंगल पॉइंट डिफाइन कर सकता हूँ, मान लो यहाँ पे, जो कि इन पार्टिकल के मासेस एंड एक दूसरे से डिस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास में तभी यहाँ पे कहूंगा अगर मैं एस्यूम कर सकता हूँ कि ये M1 है, ये M2 एंड M3, M4, करते करते Mnth पार्टिकल का जितना भी मैं मास ले लूँ, मैं एस्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे वो पूरा मास, कि इतने सारे पार्टिकल्स आपके पास नहीं है, आपके पास एक पार्टिकल है जिसका टोटल मास इस पूरे मास के सिस्टम के इक्वल है। अगेन इट सीम्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वियर्ड फॉर दोज हु आर स्टडिंग दिस टॉपिक फॉर फर्स्ट टाइम, लेकिन अब मैं एक एजम्पशन ले लेता हूँ। इफ यू ट्राई टू लुक ओवर हियर, इस मार्कर को एक सिंगल फिंगर पे बैलेंस किया जा सकता है। अब वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे मैं इस मार्कर को बाय योर फिंगर बैलेंस कर सकता हूँ? तो अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लूँ, इसका मतलब अगर बेसिकली मैं यहाँ पे मार्कर ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर मैंने अपना फिंगर कहीं यहाँ मिडिल, वेरी मच वेरी लाइकली इन द मिडिल से, लेकिन सिंस यहाँ पे कैप भी है तो एक एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे कुछ ज्यादा मास हो जाता है, तो यहाँ पे मिडिल से थोड़ा सा इधर अगर मैं इसे अपने फिंगर पे प्लेस करता हूँ, आई विल सी कि ये वेरी मच बैलेंस्ड हो जाता है। एंड इफ इट बैलेंसेज राइट हियर, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया, ये उतना ही नॉर्मल फोर्स नीचे लगा रहे, वाई? बिकॉज इट इज ग्रेविटी डाउन देयर। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस एक्ट करें ऑन दिस मार्कर, कहाँ पे एक्ट करें, मैंने ले लिया ये इस पॉइंट पे एक्ट करें, मैंने सिर्फ इस पॉइंट के फोर्सेस को नलीफाई कर दिया। कैसे? मैंने यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा दिया, तब पूरा मार्कर यहाँ पे बैलेंस्ड हो जा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाने से पूरा मार्कर बैलेंस्ड हो जा रहा है, पूरे मार्कर की ग्रेविटी कैंसिल हो जा रही। क्यों? क्योंकि पूरा मार्कर का मास, ये जितना भी मास देख रहे हो, ये एक्चुअल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसे लिया जा सकता है कि ये पूरा मास इसी पॉइंट पे लोकेटेड होता है। दैट इज इस सिस्टम का टोटल मास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे कंसेंट्रेटेड होता है। जितनी भी फोर्सेस एक्ट करती हैं ये इसी पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती हैं। अब अगर मैं एक टू पार्टिकल सिस्टम लेता हूँ, लाइक ओवर हियर मैंने एक मास M1 ले लिया, फिर एक दूसरा मास M2, ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं। फिर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पार्टिकल्स के डिस्कशन करेंगे, उसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पार्टिकल्स, टू पार्टिकल सिस्टम है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया कि M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 M2 से बड़ा है, उस केस में ये जो सेंटर ऑफ मास होता है M2 के क्लोजर होता है, सॉरी M1 के क्लोजर, जहां पे ज्यादा मास होते हैं वहां पे सेंटर ऑफ मास विल बी मच मोर इंक्लाइंड होगा दैट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सेंटर ऑफ मास कैन बी ओवर हियर, जो कि हाफ से ऑब्वियसली इधर होगा इस साइड, एट अ लेसर डिस्टेंस टू M1 कंपेयर टू M2, इन केस M1 M2 से बड़ा है। इफ इट वर ऑपोजिट तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अगर M2 बहुत ही ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू M1 तो सेंटर ऑफ मास राइट एट M2 होगा, ऑब्वियसली जस्ट थोड़ी से डिस्टेंस पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट पोजिशन निकालते कैसे हैं? अब पोजीशन निकालने के लिए यहाँ आपके पास एक एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स मान लो, यहाँ पे कहीं ओरिजिन होगा। अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट X1 मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट X2 मान लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास हो गया द मास ऑफ M1, दैट इज M1 टाइम्स में कोऑर्डिनेट जो कि X1 है, इसको ऐड कर दो M2 X2 डिवाइडेड बाई में, हियर यू हैव M1 प्लस M2, दोनों मासेस को ऐड कर दो, दैट इज टोटल सिस्टम का मास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे M1 प्लस M2 है।
तो इफ यू लुक एट इट, ये हमें ना डायरेक्टली द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देता है कि अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूं तो वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। एंड यू आर एबल टू सी फ्रॉम हियर कि जहां पे ज्यादा मास होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास अराउंड दैट पॉइंट लोकेटेड होगा। ये मैंने एक्स एक्सिस के लिए लिया है। अगर इसी को चाहे तो मोर जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैंने एज अ होल सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर पूछ लिया, इसे को वाई एक्सिस में लिख सकते हैं, फिर जेड एक्सिस में लिख सकते हैं। सो इफ यू आस्क फॉर द सेंटर ऑफ मास की पोजिशन वेक्टर क्या होती है, दिस इज एम वन वेक्टर आर वन प्लस एम टू वेक्टर आर टू डिवाइडेड बाई में क्या कर दो, एम वन प्लस एम टू। तो ये उसका और जनरलाइज फॉर्म हो गया क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है आपको कंप्लीटली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बता रहा है। सो इफ इट इज टेलिंग यू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि ये एक टू पार्टिकल सिस्टम है, मुझे फॉर अ ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, कहाँ पे सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली लोकेटेड होगा। तो अब इस इक्वेशन को और जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे। एंड हाउ डू वी डू दैट, मैंने इसे लिख दिया कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तब आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, then the position vector of center of mass will be, उन particles को भी इसमें add करो, so you will have m1 vector r1 plus m2 vector r2, ऐसे plus m3 vector r3 add करते जाओ, and you can add it forever, जहां तक हमारे जितने particles हैं, you have to add, मैं यहीं तक लिख रहा, and here you have m1 plus m2, and जितने भी particles हैं, add करते जाओ, इसको as a summation लिखा जा सकता है, I can write it, अगर आपने टेंथ की मैथ्स पढ़ा होगा सो केयरफुली यू कैन रिमेम्बर द साइन सिग्मा। इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा फ्रॉम आई इक्वल्स वन से लेके एन तक, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू एन यहाँ पे लिख सकते हो, बट इफ यू डोंट वॉन्ट इट्स नॉट कंपल्सरी अगेन, एम आई वेक्टर आर आई ओवर दिस इज सिग्मा फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू हैव ऑफ एम आई। अब ये क्या होगा, ये तो जस्ट सिंपली हो जाएगा द टोटल मास ऑफ सिस्टम, मतलब इसे मैं कैपिटल एम एक वैल्यू कर सकता हूँ। एंड आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज इट, कैपिटल एम मैंने सीधे कह दिया टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास मैं कैसे कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज जस्ट मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस मास ऑफ थर्ड पार्टिकल, एंड आपके पास जितने भी पार्टिकल्स है सबका मास अपने लाइन से ऐड कर दिया तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा दिस इज द मास कंप्लीट टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो दैट इज द टोटल मास आपको मिल गया, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म। हाँ, अब इससे भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो सकता है, अब वो आता है इंटीग्रल से, एंड आई विल एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू हाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉज द वीडियो एंड रब ऑल। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। तो अब हम लोगों ने देख लिया एक ये काइंड का इक्वेशन हमें मिल रहा है, you have the position vector of center of mass is what sigma I equals 1 se leke you have to the number of particles you have mi vector ri over me total mass of the system, that is the equation you have. ab isko ek aur generalized form mein likh sakte hain, wo aap kaise karoge, if you have something like an infinite number of particles, ab not exactly infinite number of particles, wo to kabhi honge nahi, you'll always have discrete quantities, लेकिन फिर भी अगर एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यू हैव टू सी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जा रहे, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल से किसी भी सिस्टम को देखोगे वहां पे कंटिन्यूअस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं कंटिन्यूअस। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स टू बी मोर एक्यूरेट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, वहां पे इसे कैसे करेंगे, तो वहां पे अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है तो क्या करते हैं, बेसिकली सिग्मा के साइन को एक इंटीग्रल के साइन से रिप्लेस कर दो, एंड देन यू हैव द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ एम आई। यहाँ पे इट इज नॉट इंटीग्रल ऑफ एम आई, दैट इज रादर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर आर आई एंड इट इज डी एम। मास को इनफाइनिटिसिमल सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया गया है, एंड हियर यू हैव जस्ट द इंटीग्रल ऑफ डी एम जो कि ऑब्वियसली एम के इक्वल है, एंड यू हैव टू कैरी आउट दिस इंटीग्रल, एंड आपके पास अगेन है द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जस्ट वेरी सिंपल थिंग। अब इस पे अगर देखें बहुत सारी केसेस बन सकती हैं, डिफरेंट काइंड के सिस्टम्स के, डिफरेंट काइंड के शेप्स के सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेटेड है ऑफ अ हेमिस्फीयर, एंड ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट वी वॉन्ट गो इन दोज केसेस। यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू स्टडी द कंसेप्ट, सो यू हैव टू कैरी आउट दिस इंटीग्रल, एंड एटलीस्ट इन दिस वीडियो वी आर लिविंग इट एट दिस, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर।
तो ये somehow हमें position vector मिल गए, meter में measured होगा, that is basic knowledge. यहां से अब if we look at it, सारे particles move कर रहे हैं. If all the particles are in motion, तो obviously हमें पता है center of mass भी move करेगा. It is something like that, कि जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था कि यू हैव दिस मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारे ऊपर मूव कर रहे हैं. जब ऊपर मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा. एंड जब मैं टी इक्वल्स टू यू बाई जी या फिर एच मैक्स इक्वल्स यू स्क्वायर बाई टू जी जैसे इक्वेशन लिखता हूँ, तो वो मैं लिखता हूँ कंसिडरिंग द सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास के लिए ये सारे इक्वेशन वैलिड है एंड बाकी पार्टिकल्स एक्चुअली डोंट मैटर टू अस. तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लिए लिखता हूँ, obviously in terms of other particle velocities मैं center of mass लिख सकता हूँ. And obviously I can. वो कैसे होगा कि अगर मेरे पास यही this is the position vector of these particles, इसी को मैं differentiate करके velocity of the particle निकाल सकता हूँ, और rather velocity of center of mass. And वो just हमें मिल जाते हैं. I'll write using this equation rather. ये equation मैं use करूँगा. Sigma from I equals 1 to the number of particles you have. एंड इससे मैं वेक्टर वी आई एंड यहाँ पे एम आई भी है, सो यू हैव एम आई वेक्टर वी आई डिवाइडेड बाई मे टोटल मास कह सकते हैं. एंड दिस इज द वेलोसिटी. अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन मिलेगा. देन यू हैव द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सिग्मा आई इक्वल्स वन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एम आई वेक्टर ए आई ओवर हियर यू हैव द मास. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जर्क मिलेगा, बट ऑब्वियसली दैट डजंट मैटर टू अस इन काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. जर्क से ज्यादा मतलब नहीं होते, यू हैव टू गो टिल एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. तो ये हम लोगों ने देख लिया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. बट मोर इंटरेस्टिंग इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात किया जाए, यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आपको मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा. That is m vector vcm, जो कि obviously equal होता है sigma from I equals to the number of particles you have mi vector vi. And आप यहाँ पे देखोगे the momentum of center of mass is basically the vector sum of the individual momentum. That is the momentum. And ये actual में quite matter करता है, in fact more than the acceleration. क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने kinematics of center of mass पढ़ा. We can go into the dynamics of center of mass. Dynamics of center of mass कुछ ऐसे कि जो external force होती है, अभी तक external force, the net external force किसी भी particle पे obviously m times vector a है, ये हम लोगों ने लिखा. फिर you can write it as d, vector p over dt ऐसे भी लिखा जा सकता है. सो इफ यू जस्ट लुक एट इट, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली हियर, क्योंकि मैंने बताया कि सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करते हैं. तो एक्चुअल में अब ये जो इक्वेशन बनेगा मुझे सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में लिखना है. दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड रिमेंबर इट इज एक्सटर्नल आई एम टॉकिंग अबाउट. इट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये आपको याद रखना है. न्यूटन का सेकंड लॉ जब भी मैं लिखता हूँ, मैं सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम या फिर एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखूंगा. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वैल्यू बियर करता है. अगेन यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस की बात आ जाती है, एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इंटरनल फोर्सेस का बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा टोटल सम इन अ सिस्टम जीरो हो जाते हैं. जिसकी वजह से अगर आप फोकस करते हो कि इंटरनल फोर्सेस कोई भी कुछ कोई भी एक्सेलरेशन या फिर चेंज इन मोमेंटम कंट्रीब्यूट नहीं करते. एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, आपको समझना होगा कि यू हैव बेसिकली अंडरस्टूड नियर अबाउट एवरीथिंग. कि अगर आपके पास मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर ही सकते हो, कि एज लॉन्ग एज यू हैव नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, तो फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे वो जीरो होंगे, तब आपके पास मोमेंटम कंजर्व्ड होगा एंड एवरीथिंग इज जस्ट द सेम. आपको बस ये सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई करने, एंड ये निकालोगे कैसे, बाय दिस इक्वेशन या फिर दिस इक्वेशन. सेंटर ऑफ मास बेसिकली फाइंड होता है. एंड गेस आई विल कंक्लूड दिस वीडियो एट दिस पॉइंट ओनली. उसके बाद में आई हैव कवर्ड दिस मच अबाउट सेंटर ऑफ मास. दिस चैप्टर विल अगेन बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. एंड उसके बाद दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.